हर प्लेटफॉर्म सिमिलर है, लेकिन आप उस चीज का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, व्हाट यू आर मेकिंग आउट ऑफ इट इज व्हाट मैटर्स टू मी, द प्लेटफॉर्म डजंट मैटर. सी इट्स लाइक यू नो ब्लैंक पेज एंड अ पेन, अगर आपको एक ब्लैंक पेज और पेन दिया जाए उस पे आप क्या लिखना चाहते हैं. तो ऐसा नहीं है कि इंस्टाग्राम में सिर्फ अच्छे कंटेंट होते हैं, इंस्टाग्राम में भी बुरे कंटेंट होते हैं, लोग उसका भी गलत, यू नो हाउ डू यू वांट टू टेल योर स्टोरी, व्हाट यू वांट टू मेक आउट ऑफ इट, व्हाट यू वांट टू यू नो प्रेजेंट, व्हाट यू वांट टू गिव टू द सब्सक्राइबर्स. मोनेटाइजेशन की बात है तो कौन सा प्लेटफॉर्म बेहतर लगता है आपको, यूट्यूब, इंस्टाग्राम या फिर टिकटॉक? वेल आई विल ओनली स्पीक आउट ऑफ माई ओन एक्सपीरियंस. जहाँ तक इट्स माई एक्सपीरियंस, आई स्टार्टेड लाइक रियली मोनिटाइजिंग यूट्यूब, बाद बाद में मोनिटाइजेशन स्टार्ट हुआ, बट इंस्टाग्राम से मैंने शुरू किया है. इंस्टाग्राम इट्स बीन लाइक 10 years दैट इंस्टाग्राम इज प्योर. And having said that, TikTok has just started, like to, it's still a new platform, but then there are a lot of opportunities in TikTok as well. But it also depends on the brand, you know. See, some brands are really doing well in Instagram and some brands are really doing great in TikTok. But jaise ki kuch brands hai, jaise I would not like to take name, but jo log zyada, आपको सोचना होगा कि आप कैसे ऑडियंस को, कैसे बायर्स को आप टारगेट करना चाहते हैं. क्या आप इंडिया के कोने कोने में जाकर आपका ऐसा प्रोडक्ट है जो रीजनेबल है, कोई भी खरीद सकता है, आप ऐसे ऑडियंस को टारगेट करेंगे, या फिर ऐसा कोई एक्सपेंसिव ब्रांड है जो कुछ ही कैटेगरी के लोग खरीद सकते हैं.